खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान, खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज, सबसे पहले सबसे तेज सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा, जी हाँ बीएनबी सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा मजदूरी मद की राशि मिलने वाली राशि 15,000 रुपए का गबन करने का आरोप प्रधानमंत्री आवास के लाभुक राजकिशोर टुडू ने अपने ही पंचायत के रोजगार सेवक अशोक साव पर लगाया है। बताया जाता है मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के बड़कीटांड पंचायत की है। इधर दिए गए आवेदन में राजकिशोर टुडू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास में जो मनरेगा मद की मजदूरी जो होती है 15,000 रुपया, उसकी राशि रोजगार सेवक के द्वारा फर्जी तरीके से निकासी कर ली गई है। इस मामले को लेकर के जब रोजगार सेवक अशोक साव से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में इनकार किया, कहा कि उनकी राशि उनके ही खाते में डाल दी गई है। बहरहाल जो भी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा मद से मिलने वाली मजदूरी का घोटाला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में आम बात हो गई है। जरूरत है आला पदाधिकारियों को जांच करने की, जिससे बड़ा खुलासा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जानकारी दे दें कि बीएनबी ने बेमिसाल 6 साल जहां मनाया, वहीं बीएनबी आप सबों के घर घर और दिल दिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए जरूरत है आप सबों का भी प्यार। जी तो इसके लिए, इस प्यार को बरकरार रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बने भी रहें बीएनबी से, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।